अभी तक उठने का नाम ही नहीं है। माँ अंदर सो रही है, आप बाहर सो रहे हैं, मैं भी तुम्हें जगाने वाली नहीं हूँ। इनका रोज रोज का हिल्ला हो गया, देखो सूरज सिर पे चढ़ गया। चाहे आज कुछ भी हो जा, मैं भी जगाऊं नहीं इन्हें। सोते रहो खूब, पूरा दिन सो, पूरी रात सो, जितना सोया जाए उतना सो। मैं भी जगाने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाओ। अगर मुझसे कहेंगे ना तूने मुझे क्यों नहीं उठाया, जब बताऊंगी मैं भी, जब ही बात का जवाब दूंगी, ऐसा मैं भी। अरे क्या हो गया ये? अरे अरे तू तो हट, निकल, अरे तू तो हट जा। हराम जादे से मार के छोड़ेगा, ऊपर चढ़ा खड़ा, निकल निकल और रुक जाना, खड़ी हो, चल खड़ी हो, अरे उठा इसे। मुझे नींद ना आ रही थी। अरे खाट पे से तो उतर जाता। अम्मी बदतमीज न करी, आज उठाओ ना, लौट रहा हूँ बेटा। अब कैसे लगी? शेख जी उठाइए, मर गई। अरे चार पाई पे तो तू चढ़ा खड़ा था, इसे मारा था? हाँ अम्मी, चार पाई के और ऊपर चढ़ गए थे। अम्मी मैं तो था निकालने की कोशिश कर रहा था, अरे खींची ना रही थी मेरे से। हाँ ऐसे खींचते हैं कहीं, चार पाई मेरे ऊपर और तुम चार पाई के ऊपर, मारने की कोशिश कर रहे थे मुझे। तुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तू मेरी दुश्मन है, देख ले अम्मी इल्जाम लगा रही है। अरे तो तू चार पाई के नीचे कर क्या रही थी? अम्मी मैं तो झाड़ू लगा रही थी, चार पाई गिर गई और ये मेरे ऊपर चढ़ गया के? ऐसी खड़ी करे इसे? इल्जाम ना लगा रही, इल्जाम ना लगा रही तू, गरीब मुझे मारते मार रहे हम। अम्मी तू भी मेरा मारने लगी आ गए, ठीक है खाना बना ले, खाना बना ले चलो। अरे तू छोड़ परे को, ये तो पागल है, चल तो चाय बना ले। मैं पागल हूँ? पागल मैं काट रहा हूँ, तुम्हारा पूरा गांव काट रहा हूँ, दुनिया काट रहा हूँ, काटता फिरूं मैं तो। पागल हूँ? तुम पागल बताओगे तो बाहर के बताएंगे पागल। मेरी अम्मी खुद पागल बतला रही है। यहाँ मत खड़ी रह, रोटी पका ले, रोटी पका ले, चाय वाय नहीं पीनी है। अभी तो रोटी खाएगा सुबह सुबह, मेरे बस की ना, मुझे ना आ रहा सांस भी। या तो तुम पका लो या अम्मी पकाएगी। सना तेरी इतनी मजाल, मेरी अम्मी को कहाँ बतलाएगी तू? मेरे चोट ना लग रही अम्मी। कोई बात नहीं बेटे, इसके चोट लग रही है, मैं पका लूंगी। अम्मी अम्मी आज तो बढ़िया सा सालन पका लो। बेटा पैसे तो है नहीं सालन को, अंडे पका लूं? जान है अंडे पका लो। बेटा हमारी मुर्गी तो दे ना रही, पैसे दे के बाहर से मंगा ले अंडे। अब अंडा पकाने का ऐसा अंडा नहीं, अब तुम मुर्गी ढूंढने लगी, अब भूख लग रही है, खाना पका लो, अंडे पैसे दे के मंगा लो। तेरे पे होंगे पैसे, ला तू दे दे। हाँ अम्मी मेरे पे है पैसे, ला ये लो पैसे। ले ये ले पैसे और चार अंडे लिया। और अम्मी अंडे मिलेंगे कहाँ? इकबाल के घर से लिया, नफीसा देती है अंडे। और मोटे मोटे लाना देख के। ठीक है मोटे मोटे लाता हूँ, देख के मोटे मोटे लाऊं। जा जल्दी आइयो। रुखसाना बेटा तू बैठ, मैं तेरे लगाने के लिए दवाई लाती हूँ। हाँ ठीक है अम्मी, अब तो सिर में भी दर्द हो रहा मेरे। दवाई लगा दूंगी तो आराम पड़ जाएगा, ये तो ऐसे ही बीज बोए मेरी जान को। बे अम्मी कह रही थी नफीसा देती है अंडे, मैं नफीसा अंडे कैसे देती है, हमारे घर में दो औरत है, हमारे तो कोई चीज नहीं देती है। चलो देखता हूँ, चल गए देखता हूँ बेटा, देखते हैं अम्मी कैसे अंडे देती है। आय हाय इस आदमी का क्या करूं, अभी तक पानी लेने नहीं गया, पड़ा पड़ा सो रहा है। आय हाय एक घंटा हो गया मुझे घेट पाड़ते पाड़ते, पर तेरे समझ में नहीं आई है? बड़ा होले एक बाल्टी पानी लिया, मुझे नहाना है नहाना। अपने आप ले आ, तू भी ले आकर कभी। लावे है या कुछ और करवाओ। अरे तू और क्या करेगी, मैंने तो ऊपर वाले से दुआ मांगी थी कोई असल सी औरत देना, मगर पता नहीं उसके जी में क्या थी। इसका मतलब हम असल नहीं है, पानी लाना है या कुछ। हाँ हाँ जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ, ला घड़ा ला। मैं ला के देती हूँ घड़ा, इसे तो काम ना करने का बहाना चाहिए। ले और जल्दी आइए, अंडे भी बेचने जाना है। अंडे जाओ भाड़ में,
पहले पानी ला के दूंगा। जा जा लिया। पता ना पानी 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 में डूब के मरेगी। हम करेंगे आराम। आया बड़ा आराम करने वाला। इकबाल भाईजान, मैं तो आपके घर जा रहा था, मुझे तो अंडे लेने थे। अंडे लेने थे? हाँ। भाईजान मैं तो पानी लेने जा रहा हूँ, जाओ नपीसा दे देगी। वह मेरे जाने पे देगी अंडे? अंडे है नहीं क्या? मेरा मतलब है नपीसा देती है घर पे अंडे, कितने भी ले लियो। वह कितने का अंडा? मुझे चार लेने थे। जाओ जाते ही दे देगी। जाती दे देगी, टाइम तो नहीं लगाएगी। भाई टाइम की क्या बात है, चाहे 20 ले लियो। ठीक है भाई, निकल। हाँ हाँ निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ। यहाँ मिल गया उल्टी सीधी शिकल का करा नपीसा सही अंडे। मैं तो नपीसा ले लेंगे जाके, बस देख देख कैसे देगी नपीसा, पर मैं तो मोटे मोटे लूंगा। एक तो वो पानी 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 दिमाग खराब कर रखे है। पानी मिली भाईजान, मैं अंडे लेने जा रहा हूँ। जल्दी चलो पानी लेके भर के, अंडे लेने गया से एक चिल्ली घर पे। पता ना नपीसा उसे कैसे अंडे देगी। नपीसा कौन है, अंदर आ जाओ। अबे अंदर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं आती तू। ले आ लिए अंदर, आ लिए ले अंदर आ गया। अब की बार मैं बिल्कुल मना कर दूंगा, मैं पानी बिल्कुल नहीं लाऊं। बोलो क्या चाहिए? मैं जो तू देती है वही लेना है हम, और क्या हाथी घोड़े खरीद रहे तेरे से? क्या? अरे तो बताओ तो सही क्या चाहिए? अंडे देती हो तुम? हाँ हाँ अंडे देती हूँ, बोलो कितने चाहिए? हाँ हाँ चाहिए चार, पर रुखसा ना करिए, मोटे मोटे लाना, मोटे मोटे। जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। क्या मतलब? मुझे तो मोटे मोटे दे, और वो भी ताजी। ए मुल्ला जी, अंडा जैसा होता है वैसा ही तो दूंगी मैं। तेरा आदमी तो बोल रहा था जैसा मांगोगे तुरंत दे देगी, मुझे तो मोटे मोटे चाहिए। कितने अंडे दे देती हो तुम? चाहे जितने ले लो। मैं अभी तक एक बात सुनिए, मैं कम मगा तूने तो मुर्गी भी फेल कर दी, हमारी मुर्गी भी एक अंडा देती है। मैं तो कछुए की नस्ल की है क्या? क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? मैं दिमाग खराब होगा तेरा, मैं अपने पहली बार सुना औरत अंडे देती है। औरत तो हमारे घर में भी, वो तो कभी अंडा नहीं देती। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अंडे चाहिए। हाँ हाँ अंडे चाहिए, अंडे चाहिए, अंडे चाहिए। अभी ला रही हूँ अंडे। मोटे मोटे लिए, बड़े बड़े मोटे मोटे। हाँ हाँ मोटे मोटे ला रही हूँ। ताजी देख लाएगी अंडे, वह नबीसा ताजी अंडे देगी। ये ते की जान। मुझे खामोखा परेशान करती रहे वह। अब भी पता नहीं नहावेगी ना नहावेगी, मेरे पे पानी मंगवावे रोज, एक आध बार अपने आप नहीं ला सकती। मेरे पे धोज दिखावे, एक आध बार जा नहीं सकती। नूनी सोचती अक चल आज इसे छोड़, तू अपने आप ही ले आ, रोज भगा दे घर से घड़ा लेके। ओबे 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 ले घड़ा फुड़वा दिया, मेरा घड़ा फुड़वा दिया, मुझे नहा नहा। नपीसा पकड़ से मेरे घड़े के पैसे दे, घड़े के पैसे। मैं फुड़वा दिया मेरे घड़े के, घड़े के पैसे दे। मैं बता 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 चला जा बदतमीज चला जा। अरे तो तू उसके पीछे डंडा लेकर क्यों भागी? फुड़वा दिया मेरा घड़ा, अब नहा ले। उसे तुमने कहा था ना पीछे अंडे देती है? हाँ हाँ मैंने ही बोला था, मेरे से मांग रहा था अंडे, मैंने बोला घर चला जा नपीसा देती है अंडे। मेरे से बोल रहा था, तूने तो मुर्गी भी फेल कर दी, और पता ना क्या क्या कह रहा था। और कह रहा तू तो कछुए के नस्ल की है, इतने अंडे देती है। क्या ऐसे बोल रहा था? अरे पगली उसने तो वो बोल दिया जो मैंने आज तक हिम्मत नहीं करी बोलने की। क्या? अच्छा ऐसा करो पानी लेके आओ, मुझे नहाना है, दूसरा घड़ा लेके जाओ। अरे रहने दे मैं थक गया हूँ, अब तू ले आ। अच्छा ला के दे रहे हो या वही करवाओगे जो मुल्ला जी करवा के गया? अबे लाता हूँ नसीबो वाली, लाऊं कहे मैं, घड़ा तो है ही नहीं। अच्छा घड़ा हम ला के देंगे, घड़ा हम ला रहे हैं अभी। घड़ा अब ये घड़ा कहाँ से लाएगी? घड़ा तो साला फूट गया, कटा कलेश, इसे घड़ा मिलेगा ही नहीं। अब मैं पानी लाऊंगा नहीं, अपने आप लाएगी। अब ये घड़ा कहाँ से ले आई?
ढोंस ला कर रख रखे कमबख्त ने। ये ले जा अब ले क्या पानी। और क्या बड़बड़ा रहे थे अभी। मैं तो ये कह रहा था मैं अपनी नपीसा के लिए पानी लाऊंगा। जा ठीक है ले क्या पानी। जा रहा हूँ। पता नहीं मुझे इस आफत से छुटकारा कब मिलेगा। तू तो पहले ही नाक मार के गया है पानी लेने को। पता नहीं पानी में डूब के मरेगी क्या। रास्ते में सब लोग मुझे टोके। अरे इकबाल तू तो अपनी बहू के लिए पानी ढोए। अपनी बहू के लिए पानी ढोए बता है कोई बात। चलो लेके आता हूँ और क्या करूँ मजबूरी है मेरी। मुझे तो लाना पड़ेगा पानी नपीसा के लिए। नहीं लाऊंगा दो बात और सुनाएगी। इतने शेक चिल्ली अंडे लेकर आएगा इतने तो मैं हरी मिर्च और टमाटर लेकर आ जाऊंगी। रुखसाना रुखसाना अम्मी अम्मी। हाँ शेख जी अम्मी तो हरी मिर्च और टमाटर लेने गई हैं। टमाटर हरी मिर्च लेने गई है। हाँ तुम अंडे ले आए। हाय अंडे ले गए अंडे सटक ले। मैं अंडे लेने गया अंडे तो दिए नहीं साले ने मुझे मारा। और क्या अंडे नहीं लाए। या अल्लाह मेरी तो किस्मत ही फूट गई। क्या किस्मत फूट गई। मैं कहाँ रखी थी और किसने फोड़ दी। इतने में अंडे को गया इतना किस्मत भी फूटवा ली। या मेरे मौला मैं कहाँ फंस गई। भाई एक बात बतला फंस गई या फूट गई दोनों को एक जगह लपेट रही है। तुम तो बिल्कुल ही मुंह रखो अंडे तो लाए नहीं पिट के और आ गए। जान पड़वा साली बदतमीज कही की हमारे घर में खाली साली हमसे मुँह चला रही है मूर्ख बताएगी। जान से मार दूंगा। अरे हर वक्त अड़ज पड़ज क्यों रहो हो तुम। ये रहे इनसे ही पूछ लो मैं तो रहती नहीं अलज पलज यही रहते हैं 24 घंटे। हम रहते हैं 24 घंटे। हम तो मूर्ख है पागल है दुनिया काटते फिर हूँ फालतू बोलेगी साली। और तू अंडे ले आया। मैं अंडे लेने गया और नबी सर ने मुझे मारा और अपने आदमी से पिटवाया साली बदतमीज ने। तो क्या हाथ उठाया उसने तेरे पे। आम्मी आम्मी हाथ उठाया और लात उठाई मेरे पे। क्या उसकी इतनी हैसियत के वो मेरे शेखू पे हाथ उठाए। चल चल तो मेरे साथ चल आज उसके अंडे देने बंद करूंगी। अम्मी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी कहीं ऐसा ना हो कभी तुम भी शेख जी की तरह अपनी शकल बिगड़वाया हो। मैं किस किस का दवाई लगाऊंगी। शेख जी अम्मी से कह दो मुझे भी ले चलेंगी। चल चल हमारे साथ चल हमें पूछवाइए। चल अम्मी मैं भी चलूं। तू ठीक कह रही है तू भी साथ चल कभी तेरी बात सच। चलो 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 आजा कुंडी लगा दे। हाँ लगा दे घर में चोरी करके ले जा अंडे से निकल जाएंगे। लगा दे जल्दी। लगा तो दी। चलो चल हम देखेंगे उसे। हाँ चलो हम बताएंगे उसे। बहुत बेवकूफ बना रही है वो दुनिया को। पहले ही नाक मार के गया था ये तो होना ही था। अब पता नहीं कितनी देर में आएगा पानी लेके। मुझे तो वैसी वार हो रही नहाने को। शिमल कर रही है बहुत चालू है बदतमीज है साली। क्या अंडे तो दिए नहीं मुझे साली मारा। चल हम देखेंगे। पता नहीं अल्लाह मियां ने कहां से मेरी किस्मत में लगा दिया। चल तो रहे हम देखेंगे। कोई पूछ ले चल के साली ने मारा मुझे। क्यों मारा मुझे। उसे तो मैं चिट्टियां पकड़ पकड़ के मारूंगी। अम्मी रुक जाना ये घर है उसका ये दरवाजा उसका। अभी तक आया तो ना पानी देखा। चलो रुक जाना अम्मी पीछे से वार कर रही है। पीछे से वार कर रही है। हराम जाती पीछे से वार कर रही है। दरवाजा खोल हिम्मत है तो हम आ रहे हैं अभी। आओ आओ चलो, आओ चलो। दरवाजा खोल हराम जाती दरवाजा खोल। हाँ हाँ खोल दे हराम की बच्ची जल्दी खोल दे। अंदर आ जाओ दरवाजा खुला है। चलो अंदर चलो। आजा मियां दरवाजा खुला हुआ खुला दरवाजा आ जाओ। अबे मेरे ऊपर चढ़ाएगा क्या। बाजी चाची कैसे आना हुआ। कैसे आना हुआ तो बाद में बताएंगे। पहले तू ये बता तूने मेरे शेख जी पर हाथ कैसे उठाया। तेरा ना अभी नक्शा सा झाड़ दूंगी और रिश्तेदारी और जोड़ रही है मुझसे। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। जाओ चली जाओ और इससे पूछ लेना क्या हुआ। हम तेरे से ही पूछेंगे क्यों मारा तुमने इसे। बतानी पड़ेगी वरना तेरी जबान निकाल दूंगी। यहाँ आके उल्टी सीधी हरकत कर रहा था कौन सहन कर लेगा। क्या कह दिया बता अंडे ही तो लेना आया। इसने क्या बुरा बोल दिया। यहाँ आके पूछ रहा था
तुम अंडे देती हो, कितने दे देती हो? तो क्या हुआ, अंडे मांग लिए तो? तू देती ना अंडे, दे देती। ये यूँ कह रहा था कि हमारी तो मुर्गी अंडे देती है, औरत तो हमारी भी नहीं देती अंडे। क्यों रे, क्या कह रही है ये? मैं औरतों के बीच में बोलने वाला नहीं, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, बस मैं तो इतना जानता हूँ, इसलिए मुझे मारा। अगर ये बोल तुझे बुरे लगे तो बंद कर दे ये अंडों का धंधा। जाओ जाओ, चली जाओ, वरना अभी बंद कर दूंगी धंधा। तू मारेगी? हाँ मारूंगी, अगर ऐसी हरकत करेगा तो और मारूंगी। हराम जादी, मार उसको, हमें मारेगी। हराम जादी, ले मार, छोड़ दे, क्या मारेगी, हराम जादी, तुझे नहीं छोड़ेगी, ये ले, अभी मार, छोड़ दे, तू मारे बाला को मारेगी, आजा मार, मार रुक्सा नहीं से, हराम जादी, मैं राम चलो, अम्मी छोड़िए ना, अम्मी मारे से, अम्मी बालों को डालेगी, मारो, हराम जादी, तुझे ये ले, बुढ़िया, ये ले, ये ले, मार, हराम जादी, मर्द का हाथ उठाऊंगी, बच्चे फिर फुटवा दिया, मुझे फिर पानी लाना पड़ेगा। सेक के बच्चे, तूने मेरा नुकसान करवा दिया, मेरा घड़ा फुटवा दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा। अरे क्या हुआ, क्या मामला, क्या लफड़ायू, हमें भी तो बताओ। अपने लुगाई से पूछ, हमसे क्या पूछ रहा तू? चलो रे चलो घर, इन जैसे आदमियों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अंडे 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 अंडे, अब भी अंडों को नहीं भूला, अंडे गए भाड़ में। चल, ये अच्छे आदमी हो, अच्छे जात से भी अच्छे हैं ये। जात पे उंगली मत उठा दियो, अन्ने के लिए जवान रहे। एक बार इसे रोक ले, लगाई को हमला खा पूरा है, वो छुड़ा दे, ना निकल ना, हो जाए यहां से, ना बेटा छुड़ा दे, आप बता बोलती है, मान ले ना, ये तू मार ना, तू छुड़ा दे, ले ले ले, राड बचाने के चक्कर में आ जाओ, फिर से लिपट पड़े, मार, आ जाओ, सेक चली, मार इसके बेटा, मारो, मान जाओ, मान जाओ, कमबख्त मान जाओ, आदमी से जिंदी नहीं छोड़ू बिल्कुल भी। चलो हटो, मैंने अभी कहा था इन हराम जादों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है, चलो घर। बिल्कुल बदतमीज है। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, बहुत बदतमीज है ये। नफीसा तूने उन्हें मुंह क्यों लगाया? अरे मैं क्यों लगाती मुंह, हराम जादे घर में घुस गए, मानेगी नहीं तू, तेरी वजह से दो घड़े फूट लिए, दो घड़े फूट लिए, अब मैं पानी कहाँ में लाऊंगा, बता तू, बता, अब पानी तू लावेगी? ठीक है जी, मैं अब कभी पानी नहीं मंगवाने की तुमसे। अरे नफीसा तू ये तो बता, तूने उन्हें ऐसा क्या कह दिया था, वो साले हमें पीट और गए। मैं क्या कहती, उन्होंने तो आते ही अटैक कर दिया मेरे ऊपर। अरे मुझे दुख इस बात का है नफीसा, वो मेरे पे भी लिपट गए, मुझे तेरे पिटने का दुख नहीं है। क्या कहा? अबे मुझे दुख ये है, जब मैं पानी लेने जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि नफीसा कहाँ गई, तुम पानी ढोते हो, अब मैं पानी लाने वाला नहीं हूँ। हरदम मूर्ख बने रहते हो, उनके बारे में कुछ सोचा, वो हमें पीट के चले गए। नफीसा अब ये अंडों का व्यापार बंद कर दे, अंडा एक बिका नहीं और नुकसान हो गया 500 का। तुम भी यही कहने लगे और वो भी यही कह रहे थे, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इतनी पिटाई हो गई, अब भी चैन से नहीं बैठा जा रहा तेरे पे। तुम तो हर बात मजाक में ले लेते हो, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और उनको मैंने पुलिस से ना पिटवाया तो मेरा नाम भी नफीसा नहीं। अरे मान जा मान जा। चुप करो जी, तुम बस पानी ला दो मुझे नहाने के लिए। एक बात सुन ले, पानी लाने वाला नहीं हूँ। क्या कहा? देखो पूरा गुस्सा उनका तुम पे उतर जाएगा।
पानी ला दो वरना। दो घड़े दोनों फूट गए। तुम्हें बीच लड़ाई में घुसना जरूरी था, मटका रख के नहीं आ सकते थे? जाओ बाल्टी उठाओ और पानी लेके आओ मेरे लिए, जाओ। अरे नफीसा कल जुम्मा है, कल नहा लियो, कल ला दूंगा पानी। ठीक है, मैं तो नहाती ना, खाना पकाने जा रही हूँ। अब तो अपनी आंखों से देख लिया। हाँ, देख लिया। वो तो उसके आदमी ने बीच बिचाव करवा दिया, वरना तो आज मैं उसके चुटिया पकड़ पकड़ के ऐसा मारती जिंदगी भर ना भूलती। मेरी मार की लंका लगाऊंगा, याद रखेंगे इसे एक्शन में। हाँ ठीक करा रुखसाना तेरा आज। मैं जानू बदला लेना, पूरा बदला लूंगा। तुम घर निकलो, निकल जाओ। बेटा इकबाल, अगर मैंने तेरा हिरन ना बनाया तो मेरा नाम शेख छिल। चल बेटा। अरे ओ शेख चिल्ली, यहाँ सुनियो, यहाँ सुनियो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो। मैं कहाँ से आ रहा है, कहाँ घूम रहा है? आ क्या रहे हूँ भाई जान, इकबाल अपना धंधा बंद कर रहा है अंडों का। काहे का? पूरे गांव को चार चार अंडे बांट रहा फ्री में। फ्री में? हाँ फ्री में बांट रहा। लिया तुम भी जाके सारे गाँव को बतला। चलो भाई जान, फ्री बांट रहा तो हम भी लावेंगे। मैं तेरा तो हम भी लिया, मैं दो चार अंडे। तुम भी चलो भाई जान। कुछ लोगों से तुम कहो, कुछ लोगों से मैं कहूंगा। आओ भाई जान आओ। चलो चलो। अरे शेख चिल्ली कहाँ भगा जा रहा भैया? कहीं ना जा रहा, मेरी बात सुना। हाँ इकबाल के यहाँ अंडे बट रहे चार चार, पूरे गांव को फ्री में दे रहा। हाँ तुम भी ले जाके। हम भी ले आओगे भैया, फ्री बट रहा तो। चल बेटा रोटी को, और लेट हो गए। सुसरी ने चलाई अंडे की फरम, लोग अंडे लेने जावे तो बुरा लगे, मारे उन्हें घर में बुला बुला के। और अब ये कहाँ रह गया हरामजादा, हमें ये बिल्कुल मरवा के छोड़ेगा। अम्मी अगर इनका पागलपन मुझे पहले पता होता ना तो मैं इस घर में ना आती, ये तो मैं अब भी तुम्हारी शर्म से हूँ। अब तो शुरू हो जा, मेरा तो वैसे दिमाग खराब है। चल चल तो एक गिलास पानी ला दे, और सुन चटनी बना ले। अब चटनी बनाऊं? अब चटनी से खाओगी? हाँ चटनी से खाऊंगी। शेखू ने तो खिला दिए मुझे अंडे। आ गया तो, कहाँ मर गया था? कहाँ मर गया था? अम्मी गांव वाले मिल गया मुझे रास्ते में, बात मुझे रोक लिया, कह रहे शेख चिल्ली सुनो भैया रुको, कुछ पूछना था, उन्हें ज्ञान बता गया। अच्छा तो शेख चिल्ली से ज्ञान मांग रहे थे? बहुत ज्ञानी है ना शेख चिल्ली, शेख चिल्ली तो बहुत पढ़ा लिखा। हाँ कह रहे होंगे शेख चिल्ली आ गया, ज्ञान ले लो, बहुत पढ़ा लिखा है ना मेरे बेटा। आए दिमाग खराब मत करो, रोटी पका लो। आग उगल रही हो, आग उगल रही हो, आग लगा रही हो। अम्मी अब तो आग लग चुकी आग। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। हाँ मैं तो अंदर आराम करूँ थोड़ी देर। देख लो अम्मी अब इनका पागलपन। अबे दरवाजा तो खुला हुआ, इसका मतलब अंडे दे रही है। इकबाल भाई। वो तो है नहीं, बोलो क्या चाहिए? अंडे चाहिए थे। कितने चाहिए जी? चार चाहिए, चार पूरे चार लूंगा। ठीक है अभी लेके आती हूँ। मजा आ जाएगा तो, खाला से जाते हैं ऑमलेट बनाऊंगा। शेख चिल्ली सही कह रहा, अब बेटे मजा आ गया, ला तो रही है। लो लाओ। और इधर सुनो। हाँ बोलो। ऐसे कौन देगा? आप तो फ्री दे रही हो। फ्री? कौन कह रहा है तेरे से हम अंडे फ्री दे रहे हैं? शेख चिल्ली बता रहा हमें तो, कि इकबाल के घर चार चार अंडे फ्री मिल ले। हराम का माल है, जा शेख चिल्ली से ले ले, ला उरे गुला अंडे, जा निकल जा यहाँ से। चल आया है फ्री के अंडे लेने। ये पागल बना रही है या वो पागल बना रहा? चला जा यहाँ से, दे दूंगी अभी फ्री के अंडे। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, आज का तो पूरा दिन ही खराब है। अगर किसी को फ्री दिए फिर देख लियो। इकबाल भाई, इकबाल भाई। हाँ कौन है? हाँ बोलो क्या बात है? चार अंडे दो फ्री में। यू, 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 भाई जान अंडे वंडे ना है, हमसे हाथ जुड़वा लो, अपने घर को जाओ। नहीं है तो जा रहे। मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया, सबको अंडे चाहिए फ्री में, पता नहीं क्या हो रहा है ये। चार अंडे दो फ्री में।
अरे कौन कह रहा तुमसे? शेख चिल्ली कह रहा था। भाई हमसे हाथ जुड़वा लो, अपने घर को जाओ, यहाँ ना है अंडे वंडे। चार अंडे दो फ्री में। अब तुम्हें किसने बतला दिया? शेख चिल्ली कर रहा था। आए हाय अल्लाह, मैं तो परेशान होगी बहुत ज्यादा। जाओ, मेरा पूरा दिमाग सड़क रख। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? हाजी तुम भी बोलो। नफीसा हमें भी चार अंडे दे दे। आए हाय, फ्री के हैं अंडे? चार अंडे दे दो, चार अंडे मेरे यहाँ फ्री में बट रहे हैं अंडे। फ्री की बच्ची, जिंदगी नरक बना दी, पूरा गांव बावला हो गया है, बावला। अंडे दे दो अंडे, यहाँ कुआ खुद रहा अंडों का। राम क्या आ रहे अंडे? अंडे अंडे, चली जा, अंडे तोड़ कर रख दूंगी। देख ना, देरी तो मत दे, हम तो रह जा, तू तो लड़ने को आ रही है। अबे यहाँ तो कहीं लाइन वाइन ना लग रही, वहाँ लाइन लग रही है। यहाँ तो कोई ना अंडे वंडे बट रहे, लाइन लग रही है फ्री में अंडे बट रहे। शेख चिल्ली ने खामो खाम हल्ला मचा कर रखा, यहाँ तो कोई है नहीं अंडे देने वाला। अब की जो आ गया डंडे से। नफीसा कैसे पागल सी हो गई? आ जा, तो तू भी अंडे लेने आया है? हाँ हाँ। और वो भी चार? हाँ चार चाहिए, चार। और वो भी फ्री लेने आया होगा? हाँ हाँ। शेख चिल्ली ने भेजा होगा तुझे? हाँ हाँ, शेख चिल्ली कह रहा था। अच्छा तो तुझे भी अंडे चाहिए? नहीं तो शेख चिल्ली के यार को पागल मान रही है। मैं दूंगी तुझे अंडे, रुक जा। भागो तो डंडा लेकर आली। अल्लाह मियां, ये क्या हो रहा है? आ जान तो इकबाल को, ये अंडे का धंधा ही खत्म कर दूंगी मैं तो। अब बहुत परेशान होगी, खुदा बचा ले मुझे, सब बहुत परेशान कर दिया मुझे तो। आ जान तो इकबाल को, ये अंडे का धंधा ही बंद कर दूंगी मैं तो। अरे अब क्या आफत आ गई, मुझे तो तेरे लफड़ों ने मार लिया। क्यों रो रही है अब? मेरी तो आफत आ गई, जो भी आ रहा है चार अंडे फ्री में, चार अंडे फ्री में। मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई। अरे अब क्या हुआ, क्या आफत आ गई, फिर क्यों रो रही है तू? क्यों रो रही है? पूरे गांव ने रुला के रख रखा है मुझे, पूरे गांव ने परेशान करके रख रखा है। बता तो सही क्या हुआ? शेख चिल्ली ने पूरे गांव में झूठी अफवाह फैला दी कि इकबाल के घर अंडे बट रहे हैं। फिर हम पे क्या फर्क पड़ रहा? फर्क पड़ रहा है, तभी से तो पूरे गांव के लाइन लगी पड़ी हमारे घर में। मैं तो अल्लाह पूरी परेशान होगी, कहीं मर जाऊं जाके। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब क्या कोई साला आवे अंदर घुसा के दरवाजा बंद कर लियो, फिर मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है, कर लूंगी दरवाजा बंद। अबे इकबाल के बच्चे, हम मूरा के पागल है हम? तू पूरे गाँव को फ्री में अंडे दे रहा, हम दूसरी बार आए यहाँ, हमें पागल मानना। पूरा गांव कह रहा हम इकबाल कैसे अंडे ला रहे, इकबाल कैसे अंडे ला रहे। फिर तू क्यों परेशान हो रहा, तुझे अंडे चाहिए, अंडे मिलेंगे। नफीसा जा अंडे लेके आ। हाँ लेका, अब बिताई लाइन पे। हाँ हाँ ठीक है, ला रही। देख इसे अपने बाप के कहने से कैस चल दी। आ आ तू बैठ बैठ। हाँ हाँ बैठे हैं, मंगा फटाफट अंडे। अबे अबे क्या कर रहा है इकबाल, हट। अबे हट जा इकबाल, अबे छोड़ दे, छोड़ दे इकबाल, छोड़ दे इसमें, हट जा, बजा इसमें, छोड़ इकबाल, मार डंडा, मार डंडा, छोड़ दे इकबाल, हाथ में लगी हो, मार डंडा, छोड़, मार डंडा, छोड़ दे इकबाल, मार डंडा, मार डंडा, इकबाल छोड़, मार डंडा, इकबाल छोड़, छोड़ दे इकबाल, छोड़ दे इकबाल, बहुत बुरा हो जाएगा, मैं तुझे कह रहा हूँ, हट जा, रखूँ देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा। और ले ले अंडे, हराम ज्यादा दो दो बार आ लिया अंडे लेने, अब ऐसे देने अंडे। नफीसा एक बात ध्यान रख, अब जो भी अंडे लेना आवे उसे ऐसे ही अंडे दिए, पर सिर में ना मारिए। ठीक है आने दो। अबे शेख चिल्ली, तू मेरी खाला का लोंडा हो क्या, पूरे गांव में बोलता फिर रहा इकबाल के घर फ्री में चार अंडे मिलने, चार अंडे मिलने। भाई मैं झूठ की क्या बात है, भाई झूठ की क्या बात है, मैं तब भी कह रहा हूँ, कोई भी जाके देख लो अंडे ना मिल रहे तो बताओ। अबे शेख चिल्ली, अंडे लेने तो हम भी गए थे, हमें तो नहीं दिए उसने अंडे। मुझे लग रहा है ये पागल ही बना था रिपब्लिक का काम। गए तो हम भी अंडे लेने, पर फ्री का नाम सुनते ही उन्होंने तो वापसी छीन लिए। चलो भाईजान तुम भी चलो,
अब भाईजान मैं तो चल रहा हूँ। अगर मेरी बात झूठ लग रही हो तो तू इकबाल से पूछ ले, वो आ रहा? आंधे से हम भी पूछ जाएंगे, पूरे गांव में तो ये बांटता फिर है, हमसे क्या दुश्मनी है इसकी? गांव वालों के लिए कह रहा था, इन्हें पिटवाने चक्कर में था, तू पूछ ली वो आ रहा? ठीक है आंधे, मैं चला लड़ियो मत। हम पूछ जाएंगे इससे, हमारे से क्या दुश्मनी है इसे, हमें तो अंडों को मना कर दी, पूरे गाँव को अंडे बांटता फिर है। यहाँ को सुनिए, यहाँ को एक बार। हाँ क्या बात? इकबाल के बच्चे, तो एक बात बताइए, तू जो पूरे गांव को अंडे बांटता फिर है, हम तेरे दुश्मन है। अंडे बस दुश्मन है हम तेरे। ओ भाई इस बात को बंद करो, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, अब किसने कह दिया तुम्हें? शेख चिल्ली बोल रहा? झूठ बोल रहा साला, बदतमीज है एक नंबर का। इकबाल होश में बोलिए, शेख चिल्ली मेरी खाला का लड़का है, और तू साले गाली देकर बोल रहा? जिंदा तार दूंगा धरती में, साले दुनिया को फ्री में बांट रहा, हमें मना कर रहा। मैं दुनिया को बांटूं अंडे पर तुझे नहीं दूं, बुला ले पुलिस को, जा कर ले जो करना तुझे। तो तू हमें दुनिया में भी ना गिनना? ना गिनू, ना गिनू, ना गिनू, कभी गिन ले? नहीं गिनू, जो तुझे करना कर लियो। अच्छा ये ले, ये ले, सबको फ्री में बांटेगा, हमें मना करेगा, हमें मना करेगा, हमें हमें करेगा मना, तो हम देखते हैं तुझे कैसा मना करता आज। ये ले, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, ले अंडे, अंडे आजा, सबको दे, तुझे नहीं दूं, सबको बांट, और जा लग, ले हट के अंडे, चल ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, सारे मना कर, कर मना तू आज, आज तुझे ढोलना चटा दी मैंने, अभी कर मना, मना कर, कर मना, आज देखता हूँ तू कैसा मना करेगा। अंडे तू सबको फ्री में देगा, हमें मना करेगा, हमें करेगा मना, तू हमारे हाथ में से भी छीन ले तेरी लुगाई ने, और तुझे सुधार दूं इकबाल के बच्चे, और तुझे दिखा दूं अंडे कैसे दिए जाते हैं, साले जान से मार दूंगा, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा तेरे पे जो हो कर लिए, चला जा। जा चला जा, हमें अंडों की कमी है, गाँव को बांट रहा हमें क्यों नाट रहा, साले बच गया, जा चला जा, नहीं आज जान से मार देता, खाला की शर्म से बच गया तू। मेरी तो कमर टूट गई, कमर में चोट लग गई, इन्हें भका रखा है, अंडे मिल रहे इकबाल के यहाँ अंडे, आज ये कैसी एक सी बोतार है, किसने छेद दिया आज इसे? अब क्या हुआ? वो गुलाब, गुलाब शेख चिल्ली का रिश्तेदार है, उसने मुझे बाहर मारा, हमने उसे अंडे नहीं दिए थे ना, पूरा गांव बाहर अंडे मांग रहा है, पुलिस में जाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा, मुझे खूब पीटा, घसीट घसीट के मारा। मैं तो बहुत परेशान हो गई, ये अंडे की फर्म ही बंद कर देंगे हम। नफीसा एक काम कर, ये अंडे सारे घर से बाहर फेंक दे, और इस काम को कर दे बंद, सारी राड खत्म, इन अंडों ने राड करवा रखी। बाहर क्यों फेंक दो, उससे चिल्ली का घर पे फेंक के आऊंगी, बेमतलब की राड करा रखी है, चलो तुम मेरे साथ चलो। चल नफीसा, अंडे उठा ला और मेरे साथ उसके घर चल। चलो ला रही हूँ, इससे चिल्ली के मुंह पे मारने अंडे, खालेगा अंडे। आज इन अंडों की राड ही काट दूंगा। ये लो। ला, चल, और मैंने भी अंडे उसके मुंह पर फेंक कर ना मारे तो मेरा नाम भी इकबाल नहीं। चल चलो आज इसे बता ही देते हैं। आज मैं उसे साले को अच्छे से अंडे खिला दूंगा। आज उन हरामजादों को सारे अंडे खिलाने, उसने पूरे गांव में हमारी बदनामी कर रखी है, दम कर दिया इस बिजनेस ने। आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। सही कह रहे हो, यही घर है उसका। मारो, आवाज मारो इसे। ओ शेख के बच्चे, घर से बाहर निकल, तूने पूरे गांव में हमारी बदनामी करवा रखी। अबे कौन है रुकसाना? देख लो कौन है। देखो सारा गाली दे रहा। लेकिन शेख जी गेट तो खुला हुआ है। बस दरवाजा खुला, अंदर आ जा। चलो अंदर। चल अंदर ही आ रे। बोलो बोलो क्या हुआ? होता क्या, तुझे अंडे देने आए, हराम के अंडे चाहिए ना तुझे? ए हराम जादी, जबान को संभाल के बोलिए,
मैं इस बात की शर्म कर रही हूँ कि तू हमारे घर आई हुई है। अगर तेरे शर्म है तो अपने खजम को समझा। पूरे गांव को भेज दिया मेरे घर, हराम के हैं अंडे। मुँह पे इतने तमाचे मारूंगी अंडे देने भूल जाएगी, हराम वराम बोलेगी तो। रुखसाना भाई, इनके मुँह की लग रही है तू। ओछे ओछे, पूरा गाँव ओछा कह रहा है ना। अच्छा हम ओछे हैं, तू हमें ओछा कहेगा? रुक अभी अभी रुक रुक, ये ले। इकबाल के बच्चे, इकबाल के बच्चे जान से मार दूंगा। अच्छा जान से साले, तू मानेगा नहीं? रुक जा, मारेगा मेरे सिर पर, ना मारेगा साले, जान से मार दूंगा। हाथ उठाएगा मेरे घर से साले, ये ले। मारो मारो और मारो इसके, मारो मेरे से, मार 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 तो बच्चा अब क्या हो गया, नास पीटो। राम जादी, तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरे घर तक आ गए? अपने लोंडे से पूछ, शेख चिल्ली से। ना ना, इसे कुछ मत कह देना। अरे बता तो सही, अब क्या हुआ? होता क्या, बताया? मेरे सिर पर अंडा मार दिया। लड़ाई के क्या सिर पांव होते हैं? देखो जो हुआ सो हुआ, माफ करो। देखो कितनी चोट लगी है, मैं तो अपने रिश्तेदार को पट्टी बंधवा के लाई हूँ। भाई इकबाल मुझे माफ कर दे, मैंने बिना वजह लड़ाई की, जिसकी मुझे सजा मिल गई। चोट की मत कहो, चोट तो इनके भी बहुत लगी है, अभी जा रही हूँ दवाई दिलवा के लाऊंगी। देखो जो कुछ हुआ सो हुआ, अब ऐसा करो दिल का मैल त्याग दो और गले मिल जाओ, प्यार से रहो। हाँ हाँ त्याग दो त्याग दो। भाई जब अम्मी कह रही तो मान लो भाई जान। ठीक है त्याग दिया। ठीक है फिर गले मिल जाओ, आ जाओ। आओ तो आओ मिलो, अब हम सब फिर मिलेंगे। You are watching Sonodev Video.